जय गुरु। चलिए आज परम पूज्यवाद श्री श्री बड़ौदा के बारे में कुछ आलोचना करते हैं। निर्देश उल्लंघन का फल। एक समय श्री श्री बड़ौदा अशोक आश्रम में नित्य बैठा करते थे। उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए अनेक कर्मी भी बैठते थे। एक दिन त्रिपुरा के एक प्रवीण कर्मी श्री शुभांशु शेखर मिश्रा वहाँ पर बैठे थे। श्री श्री बड़ौदा उनके तरफ थोड़ी देर तक टकटकी नज़रों से देखने के बाद बोले कि सुनो, आज से तुम जीप गाड़ी कभी नहीं चलाना और न कभी उस पर बैठना ही है। यदि शहर में कहीं जाने की ज़रूरत पड़ी तो एम्बेसडर गाड़ी से जाना और आज से 5 वर्षों तक अगरतला शहर से बाहर नहीं जाना। यह बात कहने के समय श्री रामाशंकरदा भी वहाँ पर उपस्थित थे। इसके कुछ वर्षों बाद श्री श्री बड़ौदा के आदेश से रामाशंकरदा उत्सव में सम्मिलित होने के लिए त्रिपुरा गए। उनके साथ श्री शुभांशु शेखर मिश्रदा भी त्रिपुरा के तेलियामुड़ा उदयपुर मनु बाजार के उत्सव में योगदान दिए। उदयपुर में पता चला कि अमरपुर के नूतन बाजार के उत्सव में जाना ही पड़ेगा। शुभांशु शेखर मिश्रदा को श्री श्री बड़ौदा जीप गाड़ी में बैठने तथा 5 वर्ष तक अगरतला से बाहर जाने मना करने के बावजूद वे 3 वर्ष बाद से ही जीप गाड़ी में बैठकर घूम भी रहे थे और अगरतला के बाहर भी जाना आरंभ कर दिए। जब रामाशंकरदा यह बात उनसे पूछे तो उन्होंने कहा कि पायलछिया बाबा सिर होने के कारण श्री श्री बड़ौदा मुझे मना किए थे और वैसी कोई बात नहीं है। यह कहकर वह अमरपुर के घने जंगल की टेढ़ी मेढ़ी पहाड़ी रास्ता से जीप चलाते हुए जा रहे थे। अमरपुर से 4-5 किलोमीटर दूर जाने के बाद गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। गाड़ी में कई लोग थे, सभी इसी दुर्घटना में जख्मी हुए थे, परंतु श्री शुभांशु शेखर मिश्रदा पूरे खून से लथपथ थे। कुछ ही देर में एक CRPF की गाड़ी सभी लोगों को अमरपुर के अस्पताल में ले गई। श्री शुभांशु शेखर मिश्रदा बेहोश अवस्था में अस्पताल में थे। थोड़ी देर के लिए होश में आने पर हुए रमाशंकरदा से बातचीत के क्रम में बोले कि महामानव के किसी भी बात को साधारण बुद्धि विवेचन से विचार नहीं करना चाहिए। श्री श्री बड़ौदा की बात को अपनी बुद्धि विवेचन के अनुसार मानकर चलने की कारण ही अपना सर्वनाश कर लिया। इतना कहने के बाद वे और कुछ नहीं बोल पाए। प्रकृत सेवा। और एक दिन की बात है, शिष्य ठाकुर बंगला के जामतला श्रीअंगन में अवस्थान कर रहे थे। एक दिन उनके उपस्थित में ही सेवकों के बीच बात विवाद आरंभ हुआ। सेवकों में आपसी समझदारी के अभाव के कारण धीरे धीरे यह इतना बढ़ गया कि शिष्य ठाकुर को बहुत अस्वस्थ होने लगा। हर एक व्यक्ति एक दूसरे पर शिष्य ठाकुर के सेवा में व्याघात पैदा करने का लांछना लगा रहे थे। हम लोगों को कला के अंत में परम पूजा शिष्य बड़ौदा शिष्य ठाकुर के नज़दीक पहुँचे। झगड़े की पूरी घटना सुनने के बाद शिष्य बड़ौदा ने कहा कि अनेकों की सेवा में एक तरह का अहंकार छुपा रहता है। सेवा में यदि अहंकार छुपा रहता है तब उसे सेवा के नाम से विभूषित नहीं कहा जा सकता है। इतना कहने के साथ ही साथ सेवकों का कला तुरंत शांत हो गया। उन्होंने कहा, प्रकृत सेवा में दीनता नम्रता और जिसको सेवा कर रहे हैं उनको सुस्थ स्वस्थ रखने की आकुलता। कवि गुरु रविंद्रनाथ परमपिता से इस गीता में क्या प्रार्थना करते हैं सुनते हैं। उस आसन के नीचे पड़ी मिट्टी पर लिपट रहा हूँ, इच्छा है तुम्हारे चरणों की धूल से दूषित हूँ। क्यों मुझे सम्मान देकर अपने से दूर तुम रखते हैं चिरजन्म, अब मुझे बहलाए भत रखो तुम। ऐसे असम्मान देकर अपने चरणों में स्थान दो मुझे, मैं तुम्हारे यात्री दल में एकदम ही पीछे रहूं। मुझे तुम स्थान देना और सबों के बीच ही प्रसाद हेतु कितने लोग तुम्हारे पास बढ़े आते हैं, मैं बस देखता ही रहूं।
तुझे और कुछ न चाहिए, मुझे सबको पाने के बाद जो बाकी रहेगा वही मैं लूँ। और एक दिन की बात है, यही है वो आंगन, ना जाने कितने इष्टार्थ उपचयी कर्मी का गवाह है ये आंगन, यही तो है यह बरामद, जिस पर रखी इसी चौकी पर बैठकर ना जाने कितने भक्तों के हृदय के निदारुण व्यथा का निराकरण होता। अभी बस स्नान करने वाला है ही है, तैल मर्दन हो रहा है और साथ ही साथ एक के बाद एक सांगठनिक बातें भी हो रही है, फिर कोई कोई अपनी एकांत बातें भी बीच बीच में निवेदित करते जा रहा है। आंगन के चारों ओर भक्तों की भीड़ लगी है जो सर्वदा ही रहती, सभी निहार रहे हैं उनको तृप्त नयनों से। इसी बीच एक माँ अचानक भीड़ में अपनी जगह बनाती हुई, जहाँ से वे उनका दर्शन कर सके, कि उनकी नज़र दूर में खड़ी उस माँ पर नज़र पड़ी। ओ माँ, बड़दा बुला रहे हैं। निकट जाकर हाजिर हुई, माँ कहाँ से आई है? जी से, बहुत अच्छा, पर अभी जी गेस्ट हाउस से दौड़ी आ रही हूँ, कहीं देर ना हो जाए। सो तो ठीक ही है, मगर माथे में तो सिंदूर लगाना भूल गई। जी भूल हो गई, अब ऐसा नहीं होगा। माँ सर टेक कर प्रणाम निवेदन करती हुई तृप्ति के साथ चली। जो माँ सिर्फ दर्शन के लिए व्याकुल थी, वो निकट से दर्शन तो पाई ही है, आशीर्वाद से भी संचित हुई। अभी अभी तो श्री बड़दा की आंखों का ऑपरेशन हुआ है, फिर उतनी दूर खड़ी माँ की सिद्धि या मांग पर सिंदूर की रेखा को किस दृष्टि से देखें? क्या इसे ही कहते हैं अंतर्दृष्टि? और एक दिन की बात है, षोडशी भवन का आवास कक्ष, भीषण ठंडी रात है, सारे खिड़की दरवाजे बंद हैं। इन सभी उनके चौकी के आसपास बैठे हैं, निहार रहे हैं, आपस में बातें हो रही है, सभी मशगूल है। मगर तभी बड़दा एकदम से चौंक कर कहे, सुना क्या? क्या सुना? नहीं, कुछ भी नहीं। लगा कोई पक्षी की आतनात की पुकार। तुमने सुना? नहीं तो तुमने सुना? जी नहीं, किसने नहीं सुना? जो ऐसा तो कोई आवाज़ नहीं मिला। लंबी सांस लेकर तब उन्होंने कहा, शायद मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी ही कोई गलतफहमी हुई है। एक गंभीर आवाज़ में शायद कुछ बोले, मैं सोचा क्यों ना देखूं। दौड़ा बाहर की ओर, आंगन से निकलकर पश्चिम गेट पर। चूड़ामणिदा, कोई पक्षी का आवाज़ सुने हैं? नहीं तो, लेकिन सामने यूक्लिस्टस के गाछ से सटी लती पर शायद कोई बिल्ली कुछ सटपट कर रही है। दोनों मिलकर हल्की रोशनी में देखने गए तो देखा एक बिल्ली कुछ ढूंढ रही है, हम लोगों की आड़ से भाग खड़ी हुई है। चूड़ामणिदा ने कहा, शायद एक घासला है, सामने जाने पर घासला में नवजात कुछ पक्षी की बच्चियां हैं। दौड़ा दौड़ा गया उनके पास। जी, पक्षी के कुछ बच्चे हैं जिसे बिल्ली शायद पकड़ने की ताक में है। ये रोहितस, अभी जाओ, शीघ्र ही उसकी व्यवस्था करो, जाओ बचाओ, व्यग्र होकर उन्होंने भेजा। अब एक और लंबी सांस, ऐसी न जाने कितने की पुकार उन्होंने पशु पक्षी पेड़ पौधे
से लेकर हम सबको भी। जय गुरु।